अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप इस बेल पर क्लिक कर देते हैं तो जो भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसीज किचन। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे साउथ इंडियन स्नैक्स जिसका नाम है डीबा रोटी, और ये भी सांभर कोकोनट चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती है, या फिर आप इसे ग्रीन चटनी और टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और ये चाय और कॉफ़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। ये एक अलग तरह की रेसिपी है, तो आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसको प्रेस करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बाउल उड़द की दाल, जिसमें हम लेंगे एक बाउल इडली रवा। अगर आपके पास इडली रवा नहीं है या आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे सूजी भी ले सकते हैं। तो ये आधा बाउल हमने उड़द की दाल ली है और एक बाउल हमने इडली रवा लिया है। अब हम दोनों को भिगो देते हैं। दाल को हमें 4 से 5 घंटे के लिए भिगोना है और रवे को हमें 1 घंटे के लिए भिगोना है। ये देखिए 4 से 5 घंटे हो गए हैं, दाल एकदम सॉफ्ट हो गई है, अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। इसका हमें एक गाढ़ा पेस्ट बनाना है, तो इसमें पानी ज़्यादा ऐड ना करें। इसमें हम डालेंगे 1 हरी मिर्च, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का, क्योंकि दाल थोड़ी भारी होती है तो हम इसमें डालेंगे चुटकी भर हींग, थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे जीरा, और इन सभी चीज़ों को हम पीस लेते हैं। ये देखिए दाल को हमने पीस लिया है, ये काफ़ी गाढ़ी है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। फ्लेवर के लिए अगर आप चाहें तो यहाँ करी पत्ता, बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ले सकते हैं। इडली रवा भी हमारा भीग चुका है तो इसको हम इस तरह से इसका पानी अलग करके दूसरे बाउल में रख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे सूजी ऐड कर रहे हैं तो आप उसे चलनी में भी छान सकते हैं और जितना भी पानी है वो अलग कर लें। इडली रवा को हम दाल के साथ मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक, जो कि होगा हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा गरम मसाला। इसे हमें अच्छी तरह से फेंटना है, तो इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। ये देखिए 3 से 4 मिनट तक हमने इसे इसी तरह से फेंट लिया है, और अब हम इसे फर्मेंट होने के लिए रख देंगे किसी गर्म जगह पर। तो 3 से 4 घंटे के लिए फर्मेंट होने रख देते हैं। ये देखिए दाल काफ़ी फूल चुकी है, ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो गई है। एक बार इसको मिक्स करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, फ्लेवर के लिए आप चाहें तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया या करी पत्ता यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च ली है, और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अगर आप प्याज और शिमला मिर्च भी यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसे ना डालें, लेकिन डालने से टेस्ट अच्छा आता है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड की है। और लास्ट में ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच इनो, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल, और इस तरह से सब तरफ फैला लेंगे जिससे डीबा रोटी चिपकेगी नहीं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको एल्युमिनियम की ही कढ़ाई लेनी है, आप नॉनस्टिक कढ़ाई भी ले सकते हैं। बेसिकली हम एक ऐसी कढ़ाई लेनी है जो थोड़ी सी गहरी हो, तो मेरे पास ये एल्युमिनियम की कढ़ाई है जो थोड़ी गहरी है, इसलिए मैं इसको इसमें बना रही हूँ। और इस बैटर को 3 से 4 चम्मच भर के हम इसमें डाल देंगे और ऊपर से इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। इसको हमें एकदम लो फ्लेम पे ही पकाना है जिससे ये अंदर से कच्ची ना रहे। तो अब हम इसको एक प्लेट से ढक देते हैं और एकदम लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए हम एक साइड से इसको सेकेंगे। तो इसे सिकने देते हैं। ये देखिए लगभग 10 मिनट हुए हैं और इसे हमने एकदम लो फ्लेम पे ही सेका है। तो अब हम इसको पलट देंगे और आप देख सकते हैं इस पर थोड़े से बबल्स भी आ गए हैं, ये थोड़ी फूल गई है। पलटने से पहले इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं जिससे ये दूसरी तरफ से ना चिपके। और आप देखिए कितना अच्छा इसके ऊपर कलर आ गया है, ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं रही अब, और ये ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी हो गई है।
तो अब हम इसको दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं। फ्लेम को हम लो पे ही रखेंगे। तो एक बार इसको फिर से ढक देते हैं और दूसरी तरफ से सिकने देते हैं। ये देखिए, ये दूसरी तरफ से भी सिक चुकी है और ये आसानी से बाहर आ रही है, ये बिल्कुल नहीं चिपक रही है। लीजिए, तैयार है डीबा रोटी, जिसको आज मैंने टमाटो केचप और ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसे सांभर और कोकोनट चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही हल्की होती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो इस रेसिपी को आप अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें और आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे वो आप मेरे साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।